I'm just a Hi, this is Vikas Dukhori and you're watching Oxford English. आज का क्लास वर्ड्स का क्लास होने जा रहा है, इसलिए मैं चर्चा करूंगा वर्ड्स पर। और आज मैं आप सबके सामने दो शब्दों के साथ उपस्थित हूँ। ये दोनों शब्द बड़े ही कॉमन हैं और बड़े ही यूजफुल वर्ड्स हैं। अक्सर आपका सामना इन दोनों शब्दों से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अक्सर इनके बारे में कंफ्यूज कर जाते हो कि कहां पर किस शब्द यूज करना है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों शब्द के मीनिंग सेम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो शब्द आपके सामने आते हैं और उनके मीनिंग सेम होते हैं तो उनके यूज भी सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। दो शब्द अगर आपके सामने आ जाए उनके मीनिंग सेम है लेकिन उसके यूज सेम हो, ये जरूरी नहीं है। आज का हमारा जो दोनों शब्द हैं उन दोनों शब्द के मीनिंग जरूर सेम है लेकिन उसके यूज अलग अलग हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में अभी ये उठ रहा होगा, ये दोनों शब्द हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, मैं रहस्य पर्दा उठाता हूं और आपको बताता हूं ये दोनों शब्द हैं नेसेसरी और एसेंशियल। अब सवाल उठता है, नेसेसरी का मतलब आवश्यक होता है, एसेंशियल का मतलब भी आवश्यक होता है, लेकिन एक सवाल आपके मन में, कब यूज करना नेसेसरी को और कब यूज करना एसेंशियल को? क्लास को शुरू से अंत तक देखो और कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक और एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके सामने दोनों शब्द हैं और उसके यूज को भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट वर्ड नेसेसरी, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट बट वन कैन डू विदाउट इट। कोई चीज जो कि आवश्यक है लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है, कोई चीज जो कि आवश्यक और जिसके बिना काम चल सकता है, वैसी स्थिति में आप नेसेसरी का यूज करेंगे। सेकेंड वर्ड एसेंशियल, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट बट वन कैन नॉट डू विदाउट इट। कोई चीज जो कि आवश्यक है लेकिन जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, आपको इसी फॉर्मूला के आधार पर नेसेसरी और एसेंशियल का यूज करना है। अगर आपने लिखे गए चीजों के माध्यम से ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पर नेसेसरी का यूज करें कहां पर एसेंशियल का यूज करें, मैं दो एग्जांपल्स प्रस्तुत करता हूं और दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखो और कंफ्यूजन बिल्कुल आपके मन से निकल जाएगा। वाटर इज एसेंशियल, मिल्क इज नेसेसरी। वाटर इज एसेंशियल का मतलब कि पानी आवश्यक है, लेकिन पानी आवश्यक है, पानी की उतनी आवश्यकता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। मिल्क इज नेसेसरी, दूध आवश्यक है लेकिन दूध नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है, वैसा चीज जिसके बिना काम नहीं चल सकता है तो आप एसेंशियल का यूज करो, वैसा चीज जो कि जिसकी जरूरत है और नहीं भी रहे तो काम चल सकता है तो वहां पर आप किसका यूज करो, वहां पर आप यूज करो नेसेसरी का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आदि जो विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए सब्जेक्ट और कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।